नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो वायरल। जनपद शामली में नेशनल हाईवे में किसान की जमीन पर बनने वाले टोल टैक्स को लेकर अधिग्रहण भूमि की एवेज में करोड़ों रुपए के मुआवजे पर राजस्व विभाग के लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। यही नहीं, वीडियो में लेखपाल खुलकर उच्च अधिकारियों को भी रिश्वतखोरी का हिस्सा देने की बात कह रहा है। किसान ने पिछले 1.5 साल से मुआवजे में रोड़ा अटकाने को लेकर अपने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट, देखते रहें दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। तो आपत्ति हुआ है जो मतलब तमना आलो संशोधन नहीं करवाया। तीन नाम और मेन आपत्ति वही मान कर चलो। 143 अरे 43 तो हुई नहीं, एक सुबह के बच्चों के नाम चल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो फिर हिस्सा था वो जो का तो भूल रहा ना। हाँ, बात हुई है ना। आज ही वेनू कह रहे थे, कह लगे भाई जब इनका नाम मैं चाह 5 मीटर हो इनकी तो है। नहीं बिल्कुल ठीक कर, वो तो मेरे सामने चल रही थी। अजी इनकी चाहे 1 मीटर भी नहीं, खतूनी में नाम चल रहे, वे हिस्सेदार हैं। वे मजनु कह लगे कुछ चाहे वे दिखा तुमने। सही कह रहे, मैं उस करा, मैं उस दिन तक तमा कहता रहा तीन नाम चल रहे, इन पर चाहे 1 मीटर बच रही। कुछ होगा जब तो नाम चल रहा में। अब तुमने आज मुकदमा दुरुस्त कर डाल लिया और डाल दिया जी। आज आज तो डाल लिया, अब जो तारा पेमेंट भी हो लेता तहसीलदार साहब से मिले होगा। आज मिले तहसीलदार साहब के सामने खुली है बात, इनका काम करवा रिश्तेदार है सामने आमने बात कर। देखो पैसे तो देने पड़ेंगे, देखो ठाकुर साहब अरे नहीं देखते तो फिर ऑब्जेक्शन होगा। नहीं ऑब्जेक्शन रहेगा, देखो ये तो थारा बनी जाएगा, पेमेंट थारा होगा निश्चित। अब नहीं होगा साल में 2 साल में पेमेंट होगा, पर नूनी अभी साथ हो जाए तब पूजादारी कर दी लड़ो जी, अपना काम छोड़ दो। सारे कर रहे हैं तुम मेरे से भी तो जानो, मेरे से भी तो बात करोगे। आपसे तो जानू, मैं आपसे बात भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक दायरा हो गया आप इन्हें बता दो। भाई लड़के मोबाइल दिखा, दिखाते मोबाइल दिखा। हाँ नहीं 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 बैठ लो बैठ लो, यहाँ बैठ लो, ऐसे खड़े नहीं हो करते। आपत्ति इसमें जो लगी वो वहीं से लगी, ऊपर से लगी और यहाँ से नीचे से क्लियर होगा। जाएगी तो पेमेंट होगा, नहीं तो अपना मुकदमा लड़ते रहो, आर्बिट्रेशन में जाओ। साफ सी बात है, तहसीलदार साहब ने मुझे सख्त मने कर दी थी, नहीं कह रहे कि लो अपना कोर्ट में जाओ। वो है दो पैसे दो और तीन दो, देखो बात घूमो और भाई दो पैसे वकील लोगों भी दो और अपना तो मुझे ऐसा लो ऑफिस वाले में उन्होंने मुझे कहा कहले तुमने कुछ ले रखा है इसमें जो इनका नाम जीरो दिखा रहे। चार भाई है और हर जगह पास होती चली गई। इसे मटवा के तड़की ले जाकर दस्तखत करवा दे, खम्मा खा के बीच की बात कहना सुनना बेकार है या बिल्कुल नेडी करके बता दी। और जो जो लंबी फैलानी विस्तार देना हाथ बतोड़ू जाओ तुमने साहब, बिल्कुल फिर तो खरोचो जाओ बात को और 10 बात खुले फिर वो भी नहीं कर पाने का, ये भी नहीं कर पाने। मामला 20 साल तक चला रहा,
और शायद जी घर का तकसीम भी नहीं होता उससे पहले। अरे वो तो मैं पढ़ती यार, मैं तो उन्हें खुद बता रहा मेरे तो अरे मेरे संज्ञान में पहले से है, मैंने बहुत पहले कहा था। कहा था तुमने? बहुत पहले कहा ना अजी, जोर सिंह डॉक्टर जोर सिंह वो अलग है और ये अलग है, दो मतलब चाचा वो है ना दोनों उसके बाबा के। एक बात मान लो ना, उनकी भी आ रही फाइल दीजिए। अरे यही क्या है तो लगाए थे कुर्रे परिच्छेद में तत्काल उपलब्ध रहे। ग्राम देवड़ी खतरा नंबर 82 से अर्जित भूमि के संबंध में धर्मवीर विक्रम राजवीर पुकरण सुबह निवासी ग्राम देवड़ी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19/20 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि खतरा नंबर के संबंध में उपजिलाधिकारी सामने के कुर्रे संबंधित आदेश दिनांक इतने इतने के ये कुर्रे मेरे मान्य न्यायालय में वाद विचाराधीन है। आज देखेंगे, आज शाम को देखेंगे, आज देखेंगे। तो फिर मैं आपको मंडे में मिलूँ, फोन करेंगे हम जब मिली हो। जो तुम्हें देना दे दो, नहीं देना कोई बात नहीं। क्या देना मुझे नहीं बताओ भाई, ये तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल देना चाहो दे दो, ना देना चाहो मेरा काम करवा दो। तुम काम हो जाएगा थारा जब हमने उस दिन कह दिया था। और रही दूसरी बात, हम कहीं थाल तक भाग नहीं रहे। जो तमाम देने हो कुछ दे दो, कानों को दे देंगे, फिर तहसीलदार साहब को बाद में कर लेंगे। मैं इनकी रिपोर्ट बना दूंगा कल रात तक, ऐसा आज रात में बना दूंगा मैं। इतने ही है बस, इतने ला दूँ, जरूरत हो तो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमारा काम ये फिट होना चाहिए। आज ही बना देंगे रिपोर्ट, जुमे तक आपकी पहुंचवा देंगे। पटवारी जी, हमारा कहने का मतलब ये है थोड़ी सी, मैं बता के नहीं आता क्या वहीं? हाँ, मैं किसी का हिस्सा, हम वहाँ नहीं रहे थे सहारनपुर, थारे काम। हाँ हाँ हाँ, फिर अरे हमें किसी का हिस्सा भी नहीं चाहिए। हमें जमीन सारा मुआवजा दिलवा देंगे हम, चिंता ना करो। अरे नहीं है खसरा हो हतोन नहीं लिया, फोन कर लिया पटवारी जी, नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा नमस्कार जी। मेरा नाम नितिन सिंह है, मेरे पिताजी का नाम सुरेश पाल है। क्या मामला?